80 और 90 के दशक की मखमली आवाज वाली एक गायिका। जिन्होंने फिल्मी गीतों और एल्बम्स में गाने के साथ साथ कई गीतों के लिरिक्स भी लिखे। महज 8 साल की उम्र में एक नवरात्रि परफॉर्मेंस से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस सिंगर ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई इंडी पॉप एल्बम्स में भी अपनी आवाज दी और साथ ही एक्ट भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अलावा भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में परफॉर्म करने वाली ये एकमात्र फीमेल सिंगर हैं। तो साथ ही ये जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पॉप सॉन्ग फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली भी एकमात्र भारतीय गायिका हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस टैलेंटेड सिंगर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि करियर के शुरुआत में कई लोग काम देने के बदले इनके साथ सोना चाहते थे। तो इस इंडस्ट्री में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, और शायद वो टाइम था मेरा कि मैं मतलब ऐसे लोगों से मिली जो मुझे पहले औरत ऐसे देखते थे। तो कौन है ये इंटरनेशनल फेम की सिंगर और क्यों बॉलीवुड में इन्हें सही सम्मान और पहचान नहीं मिली, बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं, इनके गाने तो आपने जरूर सुने होंगे मगर इन्हें नाम से नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड सिंगर हेमा सरदेसाई की। आज हम इनके जीवन की वो बातें आपसे शेयर करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है हेमा और कैसे इन्होंने अपने इस गायकी के सफर की शुरुआत की। हेमा सरदेसाई का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण गोवा के पणजी में हुआ। इनके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। इनके पिता का नाम डॉक्टर काशीनाथ सरदेसाई था, जो गोवा की क्रिकेट टीम में कैप्टन हुआ करते थे, और इनकी माँ का नाम कुमुदनी सरदेसाई था, जिन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था। इनकी एक बड़ी बहन भी रही, जो एक चार्टेड अकाउंटेंट बनी। हेमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई शारदा मंदिर स्कूल से पूरी की। जब ये महज 6 साल की थी तो इनके स्कूल की टीचर मिसेज सिकेरा ने इनकी इस प्रतिभा को पहचाना और इन्हें स्कूल फंक्शंस में गाने के मौके दिए। जब ये 8 साल की हुई तब इन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस एक नवरात्रि महोत्सव के दौरान दी, और यहाँ पर इनकी आवाज को लोगों ने बहुत पसंद किया और इन्हें सिंगिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया। बचपन में इनके टीचर और दोस्त इन्हें हैप्पी गो लकी गर्ल कहकर बुलाते थे। इन्होंने अपने पहले गुरु पंडित सुधाकर करंदीकर की देखरेख में भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत विशारद किया। इन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक का भी बहुत शौक था, इसलिए जर्मनी में आयोजित 16th इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग सेलिब्रेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बड़ी बात ये कि अपने टैलेंट के दम पर इसे जीत भी लिया। इसके साथ ही हेमा ग्रैंड पिक्स जीतने वाली एकमात्र भारतीय फीमेल सिंगर बन गईं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारतीय के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर क्या था, उस दौरान सारे भारतीय अखबार इनके इस कारनामे से भर गए और इन्हें कई स्टेज शो और फिल्म से भी ऑफर मिलने लगे। बात करें इनके बॉलीवुड डेब्यू की, तो इन्होंने पहली बार साल 1989 में आई फिल्म गूंज में जूही चावला के लिए अपनी आवाज दी। इसके बाद साल 1994 में आई फिल्म प्रेम योग के गीतों को गाया। जिंदगी
इसके बाद इन्हें साल 1996 में आई ABCL प्रोडक्शन की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने में उसका टाइटल सॉन्ग गाने का मौका मिला। लेकिन अफसोस, 7 साल तक दिन रात फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने के बाद भी इन्हें अभी तक बॉलीवुड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया था जिससे इन्हें कोई मजबूत पहचान मिल सके। इसके कारण का खुलासा इन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में किया था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। खैर, अगले साल 1997 में इन्हें सपने फिल्म में गाए गाने आवारा भौरे से वो सफलता मिली जिसके इन्हें तलाश थी। एक्ट्रेस काजोल पर फिल्माया गया ये गीत उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद इनकी कला के बारे में बात जरूर होने लगी। इसी साल आई 3 फिल्मों के गीतों को हेमा ने अपनी आवाज दी। ये गीत थे परदेश फिल्म का नहीं होना था और माय फर्स्ट डे इन USA। फिल्म गुप्त का टाइटल सॉन्ग और फिल्म आर या पार का हौले हौले सॉन्ग। अगले साल 1998 में आई फिल्म जोर में इन्होंने 2 गाने गाए, जिसमें से सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया सॉन्ग मैं कुड़ी अनजानी हूँ श्रोताओं के बीच बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसी साल आई फिल्म सोल्जर का एक गाना हम तो दिल चाहे तुम्हारा को भी इन्होंने अपनी आवाज दी। इसके बाद साल 1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 के 2 गीतों को इन्होंने गाया, जिसमें से 1 गीत सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था इश्क सोना है। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। तो वहीं दूसरा गीत करिश्मा कपूर पर पिक्चराइज किया गया था जंगल है आधी रात है। जंगल है आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं। दोनों ही गीत उन दिनों बहुत पॉपुलर हुए। इसी साल इन्होंने 2 और फिल्मों मन और जानम समझा करो के लिए भी गीत गाए। सौ बार जन्म ले तेरे लिए, तेरे इश्क में मर जाए। जो किया न हो किसी आशिक ने। जिसमें उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया जानम समझा करो फिल्म का टाइटल सॉन्ग लोगों के बीच काफी पसंद किया गया। कैसी बातें आज कैसे हंसी, जरा खुल के बता, मैं समझ नहीं। साल 2000 में इन्होंने 5 फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, जिसमें से फिल्म जोश का अपुन बोला सॉन्ग बहुत पसंद किया गया। साल 2001 में भी इन्होंने 5 फिल्मों के लिए गीत गाए और करीना कपूर पर फिल्माया गया फिल्म अशोक का ये गीत बेहद पॉपुलर हुआ। सन सन ननन जजारे जारे 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 पवन सन सन ननन। साथ ही फिल्म यादें का एली रे एली गाना भी खूब पसंद किया गया। इसी तरह साल 2003 में आई फिल्म बागवा का चली चली फिर चली चली भी श्रोताओं ने बेहद पसंद किया। साल दर साल इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी और ये गीत श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद भी किए गए, जैसे फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट का टाइटल सॉन्ग और चक दे इंडिया का बादल पर पांव है। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये। अगर बात करें इनके एल्बम्स की तो कई एल्बम के लिए भी इन्होंने गीत गाए, जैसे लव एंड डांस, सरगम आदि। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इन्होंने एक एल्बम सॉन्ग में परफॉर्म भी किया था और ये उन दिनों बहुत पसंद किया गया। ये गाना था बुगी बुगी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने जेवियर डिसूजा से शादी की थी जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और साथ ही एक नेशनल हॉकी प्लेयर भी।
हालांकि इनके पति की मौत कार्डियक अरेस्ट से साल 2020 में हो गई थी। अब बात करते हैं उस कारण की जिसके चलते इन्हें एक इंटरनेशनल फेम मिलने के बाद भी बॉलीवुड में कई साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, और इसका खुलासा इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। मुझे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बताया कि आप जो कर रही है गलत कर रही है, क्योंकि यहाँ अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो आप कैसे आगे बढ़ेगी जी। लेकिन मैंने हमेशा जो टैलेंट मुझे खुदा ने दी है उसको। हेमा सरदेसाई ने बताया कि संघर्ष के दिनों में फिल्म उद्योग से जुड़े कई लोग इनके साथ सोना चाहते थे, और ये जहां भी गईं सभी ने इन्हें बुरी नजरों से ही देखा। ये बॉलीवुड के कास्टिंग काउच का एक ऐसा सच है जिससे शायद ही कोई बच सका हो। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री गिद्धों से भरी पड़ी है। यहाँ हर किसी को जिस्म की भूख है। यहाँ लोग प्रतिभा पर नहीं बल्कि उसके कंप्रोमाइजिंग फैक्टर पर ध्यान देते हैं। यहाँ सफल होने और काम पाने के लिए कई लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मैं जिस स्टूडियो में गई वहाँ मेरे हुनर को देखने के बजाय लोगों ने मुझे गंदी नजरों से ही देखा। यहाँ तक कि मुझे उदाहरण भी दिए जाते थे कि कैसे फला फला ने कंप्रोमाइज किया और उन्हें सफलता हासिल हुई। ये सब देखकर मेरा दिल भर उठता था, मगर मैंने हार नहीं मानी और संघर्ष करती रही। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की, तो जर्मनी वाले अवार्ड के अलावा भी इन्हें कई बड़े गौरव हासिल हुए। बताते हैं कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अलावा भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में परफॉर्म करने वाली ये एकमात्र महिला गायिका बनी। इन्होंने 1997 में आजादी के 50वें वार्षिक समारोह में परफॉर्म किया था। इन्होंने अपनी खुद की रचनाओं में से एक मेरे वतन हिंदुस्तान को नई दिल्ली के विजय चौक पर गाया, जिसे लगभग 30 लाख लोगों ने देखा और सुना। इस मौके के लिए हेमा ने खास तौर पर ये गाना लिखकर तैयार किया था। अपने करियर के दौरान हेमा सरदेसाई ने 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की, कई सफल इंडी पॉप एल्बम जारी किए और भारत के लगभग सभी राज्यों में कई लाइव स्टेज शोज किए। साथ ही दुनिया भर के विभिन्न देशों में घूम घूमकर कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी हिस्सा लिया। साल 2013 में इन्होंने नसीरुद्दीन शाह अभिनीत अंग्रेजी फिल्म द कॉफिन मेकर के लिए 3 कोंकणी गीत लिखे और गाए। ये फिल्म गोवा के एक गांव पर आधारित थी और IFFI 2013 के भारतीय पैनोरमा खंड के लिए चुनी गई। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग। 2017 में इन्होंने मिशाल रहेजा और ग्रैमी अवार्ड विजेता जरेड ली गोसलिन के साथ प्रोजेक्ट पर काम किया और अपने गीत पावर ऑफ लव के साथ अमेरिका में अपनी शुरुआत की। हेमा कई सोशल कॉज में भी एक्टिव रही हैं, जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट, एंटी सेस, इको फ्रेंडली गणेश आइडल्स आदि। तो ये थी कहानी उस इंटरनेशनल फेम सिंगर की जिन्होंने भारत के बाहर तो देश को गौरवान्वित किया, लेकिन बॉलीवुड में इन्हें सही सम्मान और गौरव नहीं मिल सका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये बॉलीवुड में सफल नहीं हो सकी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इनका कौन सा गाना पसंद है वो भी लिख डालिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे काम को थैंक्स बटन के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।